हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शन एकेडमी। और मैं योगेश इस वीडियो के अंदर है जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं हाल ही में उसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करने वाला हूं और पूरा बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा आएगा नोबेल प्राइज़ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरा वीडियो देखे और इसकी जो PDF है वो आपको लिंक है जो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिए और लाइक ज़रूर करें आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो शुरू करते हैं जल्दी से इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ की, ठीक है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज है इस बार जो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया गया है 2018 का, और ये जो दिया गया है जिसमें दो जनों का नाम है, ठीक है। जो पहला नाम है वो है विलियम डी नॉर्दोस, ठीक है, और दूसरे जो है पॉल एम रोमर। इन दोनों को अर्थशास्त्र जो का है नोबेल प्राइज दिया गया है, ठीक, इस बार 2018 का, ठीक है। तो ये दोनों नाम ध्यान रखिए, काफ़ी इंपोर्टेंट है, क्या विलियम डी नॉर्दोस और पॉल एम रोमर, ठीक है। और ये इनको क्यों मिला है, तो जो आर्थिक नवाचार में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा जो तकनीकी नवाचार को एकीकृत करने के लिए इनको दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो ये है अर्थशास्त्र का जो पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो रनार्त और जॉन टीन बर्गन को दिया गया था, ठीक है। इन दोनों को जो अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राइज जो 1969 में दिया गया था, जो पहला इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज था, ठीक है। उसके बाद जो पहली जो महिला प्राप्त करने वाली थी वो थी इलिनर ऑस्ट्रॉम, 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था इन्होंने, ये पहली महिला बनी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और जो लास्ट टाइम का यानी कि 2017 का नोबेल पुरस्कार मिला था वो रिचर्ड एस थेलर को प्रदान दिया गया, ठीक है, इनको प्रदान किया गया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो इस साल का किसको दिया गया है, विलियम डी नॉर्दोस और पॉल एम रोमर को दिया गया है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 2018 का, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रसायन विज्ञान का, ठीक है। तो वही रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा जो रसायन विभाग का जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। और ये किनको मिला है, तो इनमें जो फ्रांसिस एच अर्नोल्ड्स, ठीक है, इनको, प्लस जॉर्ज पी स्मिथ, ठीक है, दूसरे ये है, तीसरे ग्रेगर पी विंटर, इन तीनों को दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, जो फ्रांसिस एच अर्नोल्ड है ये अमेरिकी वैज्ञानिक है और जॉर्ज पी स्मिथ ब्रिटिश और ये है, ठीक है, तो इनको दिया गया है, और ग्रेगर पी भी ब्रिटिश है, ठीक है, तो इन तीनों को दिया गया है। और ये इनको जो जो इसमें जो आपका नाम दिया गया फ्रांसिस एच अर्नोल्ड्स है, ठीक है, ये रसायन विभाग में जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पांचवी महिला है, ठीक है, तो फिफ्थ महिला है जो ये इन्होंने जो रासायनिक क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज प्राप्त किया है, ठीक है। और बात करते हैं इनको क्यों मिला, तो जो है इन्होंने जो क्रम विकास के सिद्धांतों का उपयोग करके जैव ईंधन से लेकर औषधि तक हर चीज बनाने में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम का विकास जो इनको डेवलप किया है, विकास किया है, ठीक है, तो इसलिए इनको ये जो नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। और इन तीनों वैज्ञानिकों ने विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रोटीन के इस्तेमाल के लिए क्रम विकास को उसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया जिसके जरिए अनुवांशिक बदलाव का चयन किया जाता है, ठीक है, तो इसलिए इन तीनों का जो है चयन रासायनिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए मिला है, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिए, आप वापस से बता देता हूँ, फ्रांसिस एच जो है एच अर्नोल्ड्स, जॉर्ज पी स्मिथ और ग्रेगर पी विंटर, ठीक है, इन तीनों को मिला है किसका, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है चिकित्सा क्षेत्र का, ठीक है। तो चिकित्सा क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है जेम्स पी एलिसन और तासुक होंजो, इन दोनों को मिला है किसका, चिकित्सा का नोबेल प्राइज, ठीक है। और यह पुरस्कार नकारात्मक प्रतिरक्षा विनिमय के जो नियंत्रण में कैंसर थेरेपी की खोज के लिए इनको प्रदान किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, क्या नाम है आपका, जेम्स पी एलिसन और तासुकु होंजा, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला है भौतिकी। तो फिजिक्स का जो मिला है उसमें आप ध्यान रखना है कि जो अमेरिकी वैज्ञानिक है आर्थर अस्किन, ठीक है, आर्थर अस्किन और फ्रांसीसी वैज्ञानिक है जो गेरार्ड मोरो और कनाडा के वैज्ञानिक है डोना स्ट्रिकलैंड, ठीक है, इन तीनों वैज्ञानिकों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। वापस से नाम बोल देता हूँ, आर्थर अस्किन, गेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड, ठीक है, डोना स्ट्रिकलैंड, ठीक है, तो इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। तीनों नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए।
और इनको जो क्यों मिला है, तो उन्होंने जो लेजर भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज के लिए इनको दिया गया था ये पुरस्कार, ठीक है। और जो डोना स्क्रीलैंड भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली तीसरी महिला है, थर्ड महिला बनी है, ठीक है। और जो गेरार्ड मोरो और डोना स्कॉटलैंड ने अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस पैदा करने वाली एक जो पद्धति विकसित की है, और ये जो पद्धति है बनाई, अब तक की बनाई गई सबसे शॉर्ट जो है और सबसे तेज लेजर पल्स है, सबसे छोटी और सबसे तेज लेजर पल्स है। और इसकी जो यूज है वो नेत्र जो जो नेत्र चिकित्सा होती है, शल्य चिकित्सा, उसमें किया जाएगा। और जो ऑर्थोस्किन इन ऑप्टिकल स्विटर्स पर शोध के लिए इनको ये भौतिकी के लिए जो नोबेल प्राइज के लिए चुना गया है। अगला है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार नार्वे नोबेल समिति द्वारा 2018 का दिया जाएगा, और इनको जो मिला है वो डेनिस मुखवेगो और दूसरे है नादिया मुराद। इन दोनों को संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। और जो है इनको ये पुरस्कार क्यों मिला, तो जो युद्ध के दौरान जो यौन हिंसा होती है सशस्त्र संघर्ष के रूप में इस्तेमाल करने पर, उस पर रोक लगाने के तथा उनके खिलाफ प्रयासों के खिलाफ प्रयास करने के लिए इनको ये दिया गया है, ठीक है। और डेनिस मुखवेगो के द्वारा पिछले काफी समय से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर युद्ध के दौरान होने वाले जो यौन हिंसा उनके पीड़ित महिलाओं की सहायता की जा रही है। और वही जो नादिया मुराद ये खुद जो है यौन हिंसा से पीड़ित रही है, आतंकी संगठन इनको कई दिनों तक बंधक बना के रखा था, ठीक है। तो ये भी इनके खिलाफ काफी टाइम से, और वहां से भागने के बाद ये काफी टाइम से यौन हिंसा से रिलेटेड विरुद्ध आवाज उठा रही है, ठीक है। तो इन दोनों का नाम याद रखिए, डेनिस मुकवेगे और नादिया मुराद, ठीक है। इसमें तो ये था शांति का नोबेल पुरस्कार। अगला है साहित्य से। तो इस बार है जो 2018 का साहित्य से रिलेटेड जो नोबेल प्राइज है किसी को नहीं दिया गया है, और नेक्स्ट ईयर है जो इस साल का भी साथ में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे नोबेल प्राइज से रिलेटेड छोटा सा वीडियो, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आप उसको अच्छे से याद करें, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंटली बनता ही है, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।